और कांग्रेस पर अक्सर परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस की नई इकाई के गठन में हुए खेल को लेकर सवाल उठा रही है। खास रिपोर्ट देखिए। वंशवाद की बेल, बाल कांग्रेस में खेल, दिग्गजों के बच्चों को कमान, परिवारवाद पर सियासी घमासान। कांग्रेस को वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब सवाल उसकी सबसे छोटी इकाई को लेकर उठ रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने 16 से 18 साल के टीनेजर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने बाल कांग्रेस का गठन किया है, लेकिन बाल कांग्रेस में जिनको कमान सौंपी गई है उनमें ज्यादातर कांग्रेस के बड़े नेताओं के बच्चे हैं। बात करें बाल कांग्रेस के समन्वयक नीर प्रजापति की, तो वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे हैं। इसी तरह दूसरे समन्वयक विक्रम सिंह चौहान दिवंगत महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान के बेटे हैं। तीसरे समन्वयक शुभी जोशी कांग्रेस विधायक रवि जोशी की बेटी हैं। बाल कांग्रेस के चौथे समन्वयक शुभम शेखर कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के पोते हैं। बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता के पिता भी इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। खबर ये भी है कि ज्यादातर जिलों में बनाए गए बाल कांग्रेस के कैप्टन भी कांग्रेस नेताओं के बेटे हैं। इस पर अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का जन्म ही परिवारवाद की कोख से हुआ है। इस कांग्रेस पार्टी का जनक ही परिवारवाद है। गंगा अगर गंगोत्री पर पवित्र हो जाए तो कोई नीचे अपन उसको कानपुर में इलाहाबाद में कैसे पवित्रता की बात करोगे। ये कांग्रेस तो ऊपर ही अपवित्र हो गई, परिवारवाद से ही निकली है। बीजेपी के इस कटाक्ष पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एनपी प्रजापति ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने गिरावान में भी झांक कर देख ले। बीजेपी वाले पटवा के भतीजे आज क्या हैं, सकलेजा जी के भतीजे क्या हैं, ये जो हमारे सारंग जी हैं इनके पिताजी क्या रहे, विजयवर्गीय जी के लड़के आकाश, वो वंशवाद नहीं है। कांग्रेस करे तो वंशवाद, उनकी लाख लाख हमारी लाख भसा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इन आरोपों से अछूती है, लेकिन बीजेपी का कार्डर बेस्ड ढांचा परिवारवाद की बेल को पनपने से रोकता है। कांग्रेस में यह परंपरा कभी उसकी ताकत रही है, लेकिन आज के दौर में वंशवादी परंपरा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आज बिखराव के रास्ते पर है और बीजेपी शिखर पर।